हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम संस्कृत अनुवाद शिक्षण के विषय में अध्ययन करेंगे, टीचिंग ऑफ संस्कृत ट्रांसलेशन। स्टूडेंट्स, जैसा आप सभी को ज्ञात होगा कि अनुवाद हमारे लिए मुख्य है। मुख्य किस प्रकार से है? हम तब तक किसी भी भाषा का जब तक अनुवाद नहीं कर सकते हैं, कोई भी साहित्य हो, और उस साहित्य का ज्ञान हमें वास्तव में अनुवाद के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। क्योंकि भारत विविध भाषाओं का देश है और हमारे देश में प्रत्येक भाषा का अपना ही साहित्य है और सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। ऐसी स्थिति में हमें भाषाओं का और उनके साहित्य के ज्ञान का जो भी वर्गीकरण, मूल्यांकन, उनके विधियों के बारे में अध्ययन करना है, तो ये सब हम अनुवाद के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए हमें अनुवाद शिक्षण की मुख्य आवश्यकता होती है, और आज हम अनुवाद शिक्षण के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। अनुवाद अंग्रेजी के ट्रांसलेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है किसी एक भाषा में व्यक्त भावों या विचारों को किसी दूसरी भाषा में रूपांतरित या हस्तांतरित करने की क्रिया। तो ट्रांसलेशन कहते हैं ना अनुवाद को अंग्रेजी में, और ये हिंदी का ही रूपांतरण है। इसका क्या अर्थ होता है? किसी एक भाषा में हमारे भाव और विचार को हम क्या कर सकते हैं? प्रकट कर सकते हैं, दूसरी भाषा में हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात चाहे कोई भी साहित्य हो, हम अनुवाद के द्वारा उसको दूसरी भाषा में परिवर्तित कर सकते हैं। क्योंकि यह आवश्यक नहीं हो कि सभी को सभी भाषाओं का ज्ञान हो, इसीलिए वही है कि हमारा देश विविधताओं का देश है, विविध भाषाएं बोली जाती है, इसीलिए हमें अनुवाद का ज्ञान लेना अति आवश्यक है। ठीक है, शिक्षा शब्द कोश के अनुसार अनुवाद मूल शब्दों और वाक्यांशों का यथासंभव निकटतम मुहावरेदार तुल्यार्थक शब्द प्रदान करके प्रदान भाषा सामग्री को दूसरी भाषा में प्रतिपादन करने का कार्य है। अर्थात जो अनुवाद है वो मूल शब्द वाक्यों को उसके समीप जो मुहावरे होते हैं, तुल्यात्मक शब्द प्रदान कर उस भाषा को एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तित करने का कार्य ही क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है। और प्रत्येक भाषा का ही अपना साहित्य है और अपनी विशेषताएं हैं, और सभी भाषाएं अपने अपने साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और जो साहित्य का ज्ञान है वो हम अनुवाद के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और जो संस्कृत साहित्य का ज्ञान है वो अपरिमित है। अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने इसके ग्रंथों को अपनी भाषा में अनुदित या फिर स्थानांतरित करने के लिए श्रम पूर्वक पहले संस्कृत भाषा पर अधिकार प्राप्त किया, क्योंकि अनुवाद के लिए यह आवश्यक शर्त थी कि अनुवादक को मूल भाषा एवं अनुदित की जाने वाली भाषा में पूर्ण अधिकार होना चाहिए। अर्थात जो पाश्चात्य विद्वान थे, उन्होंने भी अपने ग्रंथों में जो अपनी भाषा है उसके अतिरिक्त संस्कृत भाषा पर भी उन्होंने अधिकार प्राप्त किया, क्योंकि तब अनुवाद की यही शर्त थी कि जो अनुवादक होंगे उनको अपनी भाषा में तभी परिवर्तित करने को मिलेगी संस्कृत, जब उनको संस्कृत के विषय में पूर्ण ज्ञान होगा। ठीक है, ये थी अनुवाद शिक्षण कि अनुवाद क्या होता है। इसको सीधे सरल हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं कि जो भाषा है उसको हम एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करने की क्रिया को ही अनुवाद शिक्षण कहते हैं। ठीक है, इसके पश्चात अनुवाद शिक्षण के भेद, जो अनुवाद शिक्षण है उसके कितने भेद हैं? तो अनुवाद शिक्षण के तीन भेद बताए गए हैं। संस्कृत शिक्षण के अनुसार अनुवाद शिक्षण के मुख्य तीन भेद होते हैं। सर्वप्रथम अक्षरश अनुवाद, द्वितीय छायानुवाद,
तृतीय तथ्यानुवाद। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अक्षर अनुवाद कि ये क्या होते हैं। जो अक्षर अनुवाद होते हैं इसे हम शब्द अनुवाद भी कहते हैं। इसमें एक भाषा के शब्दों के स्थान पर दूसरी भाषा के शब्दों को रखा जाता है, क्योंकि प्रत्येक भाषा में शब्दों, रूपों व वाक्य रचनाओं में अंतर होता है। इस दृष्टि से, इस विधि से किए गए अनुवाद से कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। फिर इस विधि में प्राय भावों पर ध्यान नहीं दिया जाता, किंतु संस्कृत शब्द भंडार में वृद्धि करने व प्राथमिक स्तर पर अनुवाद सिखाने के लिए यह विधि उपयोगी है और इस विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस विधि का जो मुख्य उपयोग किया जाता है वो प्राथमिक स्तर पर अनुवाद सिखाने के लिए किया जाता है। जो द्वितीय है छायानुवाद, छायानुवाद इस विधि में एक भाषा के भावों को ग्रहण करके दूसरी भाषा में उसका अनुवाद किया जाता है। इसे भावानुवाद या मर्मानुवाद भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो मूल भाषा होती है उसके भावों को महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन मूल भाषा की जो शैली होती है वो उपेक्षित रह जाती है। इसीलिए अनुवाद की यह विधि भी उपयुक्त नहीं मानी जाती है। ठीक है, फिर तृतीय है तथ्यानुवाद। तथ्यानुवाद इस विधि में मूल भाषा की रचना का दूसरी भाषा में अनुवाद करते समय भाव व शैली दोनों का ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार इस विधि से किया गया अनुवाद मूल लेखक के भावों जैसा लगता है और ये अनुवाद की श्रेष्ठ विधि मानी जाती है, क्योंकि जब भी अनुवाद करते हैं अनुवादक तो समय और भाव शैली दोनों का ही ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार से अगर हम इस विधि का अनुकरण करके अनुवादक मूल लेखक के समान अपने भावों को व्यक्त करें तो वो अनुवाद की श्रेष्ठ विधि मानी जाती है और अनुवाद के श्रेष्ठतम तरीके से वो प्रदर्शित कर सकते हैं। अनुवाद शिक्षण भेद के पश्चात अनुवाद शिक्षण की विधियाँ कि कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ होती है अनुवाद शिक्षण की, जिसके द्वारा हम शिक्षण कार्य संपन्न कर सकते हैं। सर्वप्रथम पुस्तक विधि। पुस्तक विधि के अंतर्गत अनुवाद शिक्षण के लिए भिन्न भिन्न पुस्तकें होती हैं, जिनमें व्याकरण संबंधी नियम दिए जाते हैं, किंतु वर्तमान समय में पाठ्य पुस्तकों में ही प्रत्येक पाठ के अंत में अनुवाद के नियम व कठिन शब्द दिए जाते हैं। वाक्यों को व्याकरण की दृष्टि से क्रमबद्ध रखा जाता है। किस प्रकार से क्रमबद्ध रखा जाता है? पहले एक एक लकार, फिर कारक और फिर प्रत्यय का संस्कृत में अनुवाद सिखाया जाता है। तत्पश्चात छात्रों को मिश्रित वाक्यों व गद्य खंडों का अनुवाद करने को दिया जाता है। इस विधि में मनोवैज्ञानिक शिक्षक सूत्र सरल से कठिन की ओर का भी ध्यान रखा जाता है, जो निम्न एवं माध्यमिक स्तर तथा सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए भी उपयोगी है। किंतु ये जो विधि है ना वो उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। किस लिए उपयोगी नहीं है? क्योंकि इस विधि से छात्रों में रटने की आदत पड़ जाती है, जो उनके लिए सही विधि नहीं मानी गई है। इसीलिए उच्च स्तर पर इस विधि का अनुकरण कम किया जाता है। ठीक है, तृतीय हमारी द्विभाषा विधि। द्विभाषाई विधि के अंतर्गत इस विधि में छात्र मातृभाषा में बोलता है तथा शिक्षक संस्कृत में उसका अनुवाद करते चले जाते हैं। इस विधि का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर नहीं किया जा सकता। हाँ, जब छात्र अनुवाद करना सीख जाए तब उनके अभ्यास के लिए इसे अपनाया जा सकता है। इससे छात्रों में बौद्धिक विकास नहीं हो पाता। किस लिए बौद्धिक विकास नहीं हो पाता? क्योंकि इस विधि का जो उपयोग है वो बड़े बड़े सम्मेलनों, अधिवेशनों और एक देश के राज्याधिकारियों का दूसरे देश के राज्याधिकारियों के साथ बैठक में किया जाता है, और शिक्षक संस्कृत में उसका अनुवाद करते हैं और छात्र मातृभाषा में बोलते हैं, और इसका जो उपयोग है वो हम प्राथमिक स्तर पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और तृतीय है तुलना एवं अनुकरण विधि। इस विधि के अंतर्गत
सबसे पहले शिक्षक अनुवाद आदर्श प्रस्तुत करते हैं या आदर्श अनुवाद प्रस्तुत करते हैं। इस आदर्श अनुवाद के समान अन्य अनुच्छेद छात्रों को अनुवाद करने के लिए दिया जाता है। छात्र आदर्श अनुवाद व अवलोकन करके विश्लेषण द्वारा अनुवाद का नियम निकालते हैं तथा इसी नियम से अनुवाद करते हैं और ये विधि मनोवैज्ञानिक अवश्य है, लेकिन यह केवल उच्च स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी है। किस लिए उपयोगी है? क्योंकि छात्र इसमें बहुत त्रुटियां करते हैं और इस विधि को भी सभी शिक्षक कुशलतापूर्वक से सही उपयोग नहीं कर सकते हैं। सभी शिक्षक अगर समय और परिस्थिति वैसी हो कि वो उस और समस्त सहायक सामग्री का अभाव भी हो तो वो इन शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत कभी कभी उन्हें समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस विधि में ये भी है कि शिक्षक पहले आदर्श अनुवाद प्रस्तुत करते हैं और छात्र आदर्श अनुवाद के समान अन्य अनुच्छेद छात्रों को अनुवाद करने के लिए दिया जाता है और जो छात्र होते हैं वो अवलोकन करके विश्लेषण स्वयं करते हैं और इसके द्वारा ही वो अनुवाद का नियम स्वतः करते हैं और इसी नियम से वो क्या करते हैं, अनुवाद करते हैं। अनुवाद शिक्षण की जो तीनों विधियां हैं वो स्वयं में पूर्ण नहीं हैं, इसीलिए जो छात्र हैं वो स्तर के अनुरूप इनमें से एक या और एक से अधिक विधियों का प्रयोग करके शिक्षक को अपने विवेक से उनसे शिक्षण कार्य संपादित कराना चाहिए, क्योंकि समय और आवश्यकता के अनुसार हम अलग अलग विधियों का प्रयोग करके ही शिक्षण कार्य संपन्न कर सकते हैं। ठीक है, ये था अनुवाद शिक्षण की विधियाँ। अब है अनुवाद शिक्षण के उद्देश्य, कि कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। बिना उद्देश्य के हम कोई भी कार्य स्वतः संपन्न नहीं कर सकते हैं, है ना। उद्देश्यहीन कार्य हमारे द्वारा कैसा होता है, व्यर्थ होता है। अतः कोई भी कार्य करते हैं तो हम कुछ ना कुछ उद्देश्यों को ध्यान में रखते हैं। उसी दृष्टि से अनुवाद शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वो इस प्रकार से हैं। सर्वप्रथम, छात्रों को संस्कृत के माध्यम से विचारों के आदान प्रदान की योग्यता प्रदान करना। द्वितीय, संस्कृत व्याकरण के सीखे गए नियमों को प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना। तृतीय, छात्रों को मातृभाषा एवं संस्कृत साहित्य का तुलनात्मक ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनाना। चतुर्थ, दूसरों के विचारों व भावों को उनकी भाषा एवं शैली के अनुसार संस्कृत भाषा में लिखने का अभ्यास कराना। पंचम, दूसरी आधुनिक भाषाओं में अभिव्यक्त विचारों को संस्कृत भाषा में अभिव्यक्त करके संस्कृत साहित्य को आधुनिक विचारों से समृद्ध करना। षष्ठम, संस्कृत भाषा एवं साहित्य का अन्य भाषा भाषियों में प्रचार प्रसार करना, जिससे वे भारतीय संस्कृति से परिचित हो सके। सप्तम, छात्रों में संस्कृत के साथ साथ अन्य भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और अष्टम, छात्रों में अपनी भाषा के साथ साथ अन्य भाषा, उसके साहित्य एवं लोगों के प्रति आदर भाव जागृत करना। और नवम, छात्रों में संस्कृत साहित्य का विकास करना और संस्कृत साहित्य के ज्ञान भंडार में वृद्धि करना। ये जितने भी अनुवाद शिक्षण के उद्देश्य थे, हम इन्हीं उद्देश्यों का अनुकरण करके अनुवाद शिक्षण को संपन्न करते हैं और संस्कृत साहित्य के विषय में अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करते हैं और इन्हीं उद्देश्यों के निर्देशानुसार ही हम कार्य अपना संपन्न करते हैं, शिक्षण कार्य। ठीक है, ये थे अनुवाद शिक्षण के उद्देश्य। इसके पश्चात अनुवाद शिक्षण का महत्व, कि अनुवाद शिक्षण के क्या महत्व होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मूल भाषा व अनुदित भाषा दोनों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मूल भाषा और अनुदित भाषा, जो भाषा हम वहाँ के समाज से या वहाँ के उस स्थान से सीखते हैं,
या किसी के द्वारा प्रदान की गई हुई भाषा। और मूल भाषा तो है ही हमारी, वो तो हम सीखते ही हैं, लेकिन दोनों भाषा का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। द्वितीय, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है, जो भी छात्र होते हैं उनके शब्द भंडार में अधिक से अधिक वृद्धि होती है। तृतीय, संस्कृत भाषा के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाता है, जो संस्कृत भाषा है उसके प्रति प्रेम और अनुराग उत्पन्न हो जाते हैं। चतुर्थ, एक भाषा भाषी दूसरे भाषा भाषी के निकट आते हैं, उनके साहित्य का सम्मान करने लगते हैं और इससे राष्ट्रीय एकता में विकास होता है। अर्थात एक भाषा दूसरे भाषा के संपर्क में आती है तो एक साहित्य दूसरे साहित्य का सम्मान करने भी हम लगते हैं और इससे क्या होता है, राष्ट्रीय एकता में विकास होता है। पंचम, अनुवाद से चिंतन सृजन एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। जो अनुवाद शिक्षण है उसके द्वारा चिंतन सृजनात्मक कल्पना शक्ति इन सभी का भी विकास होता है। षष्ठम, दूसरी भाषा के ज्ञान विज्ञान या अपनी भाषा के प्रचार प्रसार का अवसर प्राप्त होता है। जो दूसरी भाषा है उसका ज्ञान अर्जित करते हैं और अपनी भाषा के प्रचार प्रसार का भी अवसर हमें प्राप्त होता है। सप्तम, किसी नई भाषा को सीखने के लिए अनुवाद आवश्यक है। कोई भी नई भाषा सीखते हैं उसके लिए मुख्यतः क्या आवश्यक है, अनुवाद आवश्यक है। अष्टम, एक भाषा की दूसरी भाषा से तुलना की जा सकती है। कैसे की जा सकती है, क्योंकि हम अनुवाद करना स्वतः सीख जाते हैं तब हम एक भाषा से दूसरी भाषा की तुलना कर सकते हैं। और सबसे अंत में अन्य भाषाओं के साहित्य का भी ज्ञान हो जाता है, क्योंकि हम अन्य भाषाओं के साहित्य का भी अध्ययन करते हैं और उस भाषा का अनुवाद करने के लिए हमें उस भाषा के साहित्य के बारे में भी अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक होता है, तभी हम उस विषय के प्रति ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। और अगर हम अनुवाद करें किसी एक भाषा से दूसरे भाषा में तो हमें उस भाषा के साहित्य के बारे में भी अत्यधिक ज्ञान अर्जन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है और उसके द्वारा ही हम अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, ये थे अनुवाद शिक्षण के महत्व। अब जब भी हम अनुवाद शिक्षण करते हैं या अनुवाद करने लग जाते हैं एक भाषा से दूसरी भाषा में, तो कुछ ना कुछ त्रुटियां हमारे सामने प्रकट होती है, तो इसके लिए हमें कुछ सुझावों का अनुकरण करना चाहिए। अगर हम इन सुझावों का अनुकरण करें तो जब भी हम अनुवाद शिक्षण करें या एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करें तो स्वतः हमसे वो त्रुटियां होना कम हो जाएगा और उन त्रुटियों को हम दूर करने में सफल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें इन सुझावों का पालन करना होगा। जैसे मातृभाषा की शिक्षा के साथ ही संस्कृत या दूसरी भाषा की शिक्षा यदि संभव हो तो शुरू कर देनी चाहिए। जब भी हम मातृभाषा की शिक्षा लेंगे तो उसके साथ ही हम संस्कृत या दूसरी भाषा की भी शिक्षा लेंगे। ऐसा करने से हमें इन विषयों का भी ज्ञान होगा और जब भी हम भाषा परिवर्तित करेंगे अनुवाद करने के समय तो हमें कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। द्वितीय, अनुवाद कार्य के पूर्व छात्रों को प्रयोग में आने जाने वाले शब्द रूप धातु रूप व्याकरण के नियम व अनुवाद के सामान्य नियमों की जानकारी अवश्य दे देनी चाहिए। अनुवाद करने से पूर्व जो भी छात्र हैं उन्हें संस्कृत के शब्द रूप धातु रूप व्याकरण के नियम और सामान्य नियमों के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए, जिससे जब अनुवाद कार्य प्रारंभ करेंगे तो इन जानकारी के तहत कोई भी कार्य वो ऐसा नहीं करेंगे जिससे भाषा परिवर्तित करने में उनके समक्ष कोई परेशानी आए या कोई बाधा उत्पन्न आए। अगर बाधा आएगी तो वो इन नियमों की जानकारी के द्वारा उन बाधाओं को दूर करने में सक्षम हो सकते हैं। तृतीय, अनुवाद कार्य छात्रों की पाठ्य पुस्तक से दिया जाना चाहिए, इससे उनमें सीखने की प्रति रुचि उत्पन्न होगी। जब भी हम अनुवाद कार्य दें तो छात्रों की टेक्स्ट बुक से देंगे, जिससे सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न होगी और वो सीखने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे, क्योंकि उनकी स्वयं की पाठ्य पुस्तक से होगा तो अनिवार्य जो कार्य है
उसके साथ साथ वो अपनी स्वतः इच्छा रुचि से ही सीखने के लिए तत्पर रह सकेंगे और अनुवाद कार्य स्वयं से ही करने में सक्षम हो सकेंगे। फिर है अनुवाद कार्य छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। जो अनुवाद कार्य है वो मानसिक स्तर के अनुकूल किस प्रकार से होनी चाहिए? बालक जिस स्तर का है उसी स्तर पर हमें अनुवाद कार्य देना चाहिए कि उसका मानसिक स्तर क्या है। अगर मानसिक स्तर के विपरीत हम अनुवाद कार्य देते हैं तो जो छात्र है वो उस स्तर से भटक कर अन्य स्तर पर चले जाते हैं और इसके अभाव में वो सही से अनुवाद कार्य संपन्न नहीं कर सकते हैं और कोई ना कोई त्रुटि उनसे अवश्य हो जाती है। पंचम, पहले अनुवाद मातृभाषा से संस्कृत में कराना चाहिए, फिर संस्कृत से मातृभाषा में, अर्थात जो शिक्षण सूत्र बताए थे ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर हमें उसी का अनुकरण करना चाहिए। क्योंकि पहले अगर उन्हें मातृभाषा से संस्कृत में और संस्कृत से मातृभाषा में कराएंगे तो वो सरलता से उस कार्य को कर सकते हैं, क्योंकि मातृभाषा तो उन्हें ज्ञात होती ही है, तो वो उसको अगर संस्कृत में परिवर्तित कर सकते हैं तो फिर वो स्वतः सरलता से संस्कृत से उसको मातृभाषा में परिवर्तित कर सकते हैं। फिर सिस्टम है, अनुवाद कार्य अधिकाधिक अभ्यास कराना चाहिए। जब भी अनुवाद कार्य कराएं तो उनको अत्यधिक अभ्यास कराएं, क्योंकि अत्यधिक अभ्यास कराने से अनुवाद संबंधी जो त्रुटियां आएंगी उन त्रुटियों का निराकरण हो सकता है, और जब त्रुटियों का निराकरण होगा तो भविष्य में जब वो अनुवाद कार्य करेंगे तो उनसे कोई भी त्रुटि नहीं होगी। उसके पश्चात अनुवाद ऐसा होना चाहिए कि मूल रचना का भाव व शैली बनी रहे, अर्थात जब भी अनुवाद करे जो उसकी मूल रचना है, जो भाव है, वो शैली है, वो उसी प्रकार से बनी रहे जैसा अन्य भाषा में थी। ये नहीं कि हमने एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तित कर दिया और तो फिर उसकी रचना, भाव, शैली सब परिवर्तन हो गए तो क्या होगा? तो अनुवाद तो हमारे द्वारा होगा लेकिन उसके जो भाव हैं, जो शैलियाँ हैं, जो लक्षणा हैं, वो हम प्रकट नहीं कर सकते और जो उसकी मूल रचना है वो उससे परिवर्तित हो जाएगी। उसके पश्चात अनुवाद का अनुवाद नहीं करना चाहिए, अर्थात जिसका अनुवाद है उसका पुनः अनुवाद नहीं करना चाहिए और जिसका अनुवाद नहीं है उसी का अनुवाद करना चाहिए। कभी कभी छात्र ऐसा करते हैं कि जिस शब्द के अनुवाद दिए हुए हैं उसी शब्द का पुनः अनुवाद करते हैं, या जिस भाषा का अनुवाद किया गया है उसका वो पुनः क्या करते हैं, अनुवाद करते हैं, जो कि अनुवाद शिक्षण में एक बहुत बड़ी त्रुटि है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उसके पश्चात अनुवाद कार्य का शिक्षक द्वारा सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण अवश्य करना चाहिए। जो अनुवाद कार्य दे छात्रों को तो शिक्षक सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से उस कार्य का निरीक्षण करें, जिससे कि उनके द्वारा किया गया अनुवाद कार्य कैसा है और किस प्रकार से उन्होंने किया है। ऐसा तो नहीं है कि वो भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तित करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना कर रहे हैं, या वो अनुवाद करते समय कोई ऐसी त्रुटि कर रहे हैं जिससे उनका अनुवाद कार्य व्यर्थ हो जाए। इसीलिए जो शिक्षक हैं उनको सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करना चाहिए तथा जो भी अनुवाद कार्य संबंधी त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को दूर करने संबंधी सुझाव देने चाहिए और उनका सही दिशा निर्देश करना चाहिए। और सबसे अंत में जब भी अनुवाद करें तो उसको बड़े बड़े वाक्यों को छोटे छोटे खंडों में बांटकर ही अनुवाद कार्य कराना चाहिए, क्योंकि अगर हम जटिल से सरल की ओर उसका अनुकरण करके एक अनुवाद कार्य प्रारंभ कराएंगे तो ऐसा अनुवाद कार्य हमारे लिए क्या होगा, सही प्रकार से सफल सिद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि जो चीज़ उन्हें जानकार है उस चीज़ के बारे में अगर वो अनुवाद करेंगे तो वो स्वतः सरलता से सीख सकते हैं, और इस प्रकार से अगर सरल से कठिन की ओर वो सीखे, अर्थात जो भी बड़े बड़े वाक्य हैं उनको छोटे छोटे खंडों में बांटकर वो सीखे ना, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, तो क्या हो सकता है, तो उनके द्वारा किया गया अनुवाद कार्य अधिक सार्थक होगा। और जब भी वो किसी भी
एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद कार्य करना प्रारंभ करेंगे तो अत्यधिक रुचि, प्रभाव और सरलता के साथ उस अनुवाद कार्य को करने में वो सक्षम हो सकेंगे और उस अनुवाद कार्य का उनके ऊपर प्रभाव भी रहेगा। किस प्रकार से? क्योंकि पूर्व में भी उन्होंने पहले छोटे छोटे खंडों में बांटकर अनुवाद किया, फिर उनको बड़े बड़े समूहों में क्या किया, उसका अनुवाद किया, तो वो सीख गए ना अनुवाद करना। उसी प्रकार से अनुवाद संबंधी कोई भी अगर त्रुटियां आती हैं तो जो शिक्षक है उनका ये कर्तव्य है कि सही समय पर उनका सही से दिशा निर्देशन दे और समय समय पर उनका सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करे और साथ ही साथ शिक्षण कार्य इस प्रकार से संपादित करे कि अनुवाद संबंधी कोई भी त्रुटियां अगर उनके सामने आती है तो बालक स्वेच्छा से ही और स्वयं से और साथ ही साथ अध्यापक की सहायता से उन त्रुटियों को दूर कर सही और कुशलतापूर्वक एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद कर सके। ऐसा करने से वो जो भाषा है, भाषा साहित्य का ज्ञान अर्जित कर सकते हैं और साहित्य का जो ज्ञान है वो वास्तव में वो अनुवाद के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि संस्कृत साहित्य का ज्ञान क्या है, अपरिमित है, पूर्व में भी बताया था, और किसी भी विषय का अनुवाद करने के लिए हमें उस भाषा के साहित्य के बारे में ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।